पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इसके बाद कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य आयोजन भी किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में 23 से ज्यादा झांकियां दिखाई गई। वहीं सेनाओं के स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान नारी शक्ति की तस्वीर दिखी। डेयरडेविल्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फ्लाई पास्ट में राफेल गर्जे। वहीं वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इनमें अमरीका से लिए गए अपाचे चॉपर भी शामिल थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा के खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने बठिंडा वासियों को दो खुशखबरियां दी। उन्होंने कहा कि बठिंडा को नई इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ डिजिटल बस स्टैंड भी मिलेगा, जो पंजाब में इस तरह का पहला बस स्टैंड होगा। इसके अलावा बठिंडा में 260 करोड़ की लागत से अर्बन शेक को बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की परेड में पंजाब की झांकी शामिल न करके सच को दबाने का प्रयास किया है। एक खुशखबरी बठिंडे वाले लिए भी है, बल्कि दो ने। बठिंडे का बस स्टैंड जिहड़ा वो शहर च आ गया, बहुत भीड़ वध गई। बठिंडे नूं एक बिल्कुल नवा ते डिजिटल बस स्टैंड बठिंडे दे बाहरले पासे दिता जाऊगा। तो उस बस स्टैंड चों इलैक्ट्रिक बसा कोई 15 सीटा वाली, कोई 20 सीटा वाली, वो दूजे बस स्टैंड लैके जाने वास्ते शटल बसा फ्री शुरू किए जाएंगे। बठिंडा पंजाब का पहला जिला होगा जिदे विच एक सर्वे शुरू हो रही है। तो बठिंडे दे विच 260 करोड़ की लागत नाल अर्बन स्टेट छे जिहड़ा वो बनावांगे और नवा बठिंडा बनावांगे। पहला एवें पछड़िया कही गए ने, पर मैनूं इन्ना पता है बठिंडे वालियां दे जो दिल च है उही जबान ते है। बठिंडे वाले झूठ नहीं बोलते, उहदा सीधा ही ने। सो मैं भी यही कहूँगा, आ जिहड़े साडे विरुद्ध बोली जांदे रहिंदे हर वक्त, उहनां चों कुछ बठिंडे वाले ही है। मैं यही कहना चाहुंदा कि मैं दीपक हाँ, मैं दीवा हाँ, यह गल साफ है। मैं दीवा हाँ, यह गल साफ है। मेरी दुश्मनी नेरियां नाल है, हवा तां बेवजह ही मेरे खिलाफ है। बोली जान दो, कोई फर्क नहीं पैंदा। नवजोत सिंह सिद्धू इस दौरान पटियाला जेल में बंद है, लेकिन पिछले लंबे समय से माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की 4 महीने की सजा माफ कर दी जा रही है। रिपोर्ट्स का कहना था कि सिद्धू के साथ और भी कैदी 26 जनवरी को रिहा किए जा सकते थे। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और भी कैदियों की रिहाई के लिए सूची बनाई गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सूची पर पंजाब कैबिनेट की तरफ से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को नहीं भेजी गई। इसीलिए लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के तेजली खेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके अलावा सीएम मनोहर ने बुलेट भी चलाई। वहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नया सूर्य उगते हुए देखा था, तब से एक स्वतंत्र गणतंत्र भारत आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस से आजादी के आंदोलन की अनेकों यादें जुड़ी हुई हैं। कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है कि बीते 8.25 सालों में हमने 3C पर चोट की है। 3C यानी करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम। हमने 6S पर भी विशेष बल दिया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन। इस पर विशेष बल दे करके और सर्वोपरि हमने इस पर अपना काम किया है। गणतंत्र वास्तव में तभी सच्चे मायनों में इसका पालन समझा जा सकता है जब हमारा तंत्र ऐसा हो जहां हर गण की आवाज सुनी जाए, तभी ये गणतंत्र है। पिछले 8 सालों में हमने उन्हीं लोगों की आवाज सुनने का प्रयास किया जो अपने लिए बोल भी नहीं पाते थे। पारदर्शिता प्रक्रिया ला करके हमने पर्ची खर्ची का सिस्टम ये खत्म किया। ये युवाओं की आवाज थी, हमने सुनी।
हिमाचल में गणतंत्र दिवस पर शिमला के रिज मैदान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। इसके बाद विभिन्न विभागों की सुंदर झांकियां मंच से आगे गुजरी, जिसमें पर्यटन विभाग को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। विभाग की ओर से हेलीपोर्ट, होमस्टे और बागवानी टूरिज्म से संबंधित झांकी निकाली गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही देश को आजाद कराने और इसकी रक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। ये तिरंगा कई मायनों में खास होगा। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के बाद समापन कार्यक्रम के लिए इस तिरंगे को तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 75 फुट होगी। ये देश का भाईचारा, देश की एकता और अखंडता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत वर्ष हमारा है, अपना है, देश का है, देश के नागरिकों का है, भारत माता का है। ये भावना सर्वविदित है, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद हर नागरिक के अंतर मन में है। बहुत लोग इस बात को अलग अलग तरीके से प्रचारित करते रहे कि श्रीनगर के लाल चौक पे कभी देश का झंडा नहीं फहराया जाता। ये हेड क्वार्टर है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें ये लाल चौक पे ही हमारा हेड क्वार्टर है और यहाँ पर हर साल, हर समय, हर राष्ट्रीयता के पर्व पर, इसके अलावा भी जब देश में ये कानून बना कि रोज झंडा फहराया जा सकता है, तब भी ये तिरंगा यहाँ फहराता रहा है। मैं मानता हूँ राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कश्मीर में और खासकर श्रीनगर में सबसे ऊंचा फ्लैग, देश का झंडा, देश की शान, 75 फीट ऊंचा एक झंडा फहराया जाएगा। और ये भावना इस बात की कि हम देश में प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, देश के युवाओं में का भविष्य अच्छा चाहते हैं, हम मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज पूरे देश में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के साथ ही समारोह का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अटारी सरहद पर बनी गैलरी में तिरंगा फहराया। इसके बाद वीर शहीदों को नमन किया। बीएसएफ के अधिकारियों ने सरहद से देश को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस सिर्फ हमारे लिए पर्व नहीं, स्वाभिमान है।